कपड़े के शोरूम में खरीदारी के बाद लड़की ने फोन से पैसे ट्रांसफर किए, जिसके बाद सेल्समैन और लड़की की मोबाइल पर बातें होने लगी। दोनों में प्यार हो गया। लड़के ने प्रपोज किया तो युवती भी मान गई। दोनों ने सगाई कर ली और लिव इन में रहने लगे। रिश्तों में ट्विस्ट तब आया जब लड़की ने शादी की बात की। लड़की की शादी की बात पर लड़का अपने घर वालों से बात करने के बहाने पुणे से बाड़मेर आ गया। यहाँ आकर परिवार के दबाव में मुकर गया। लड़की को डराया कि घर वाले हम दोनों को मार डालेंगे। प्यार में इंसाफ के लिए 19 साल की लड़की भी महाराष्ट्र से 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान आ गई। अब उसे पुलिस से मदद की दरकार है। युवती ने बताया कि विष्णु सगाई कर पुणे में उसके साथ 3 महीने पति की तरह रहा और फिर घर वालों से दोनों की शादी की बात करने पर 1 मई को बाड़मेर आया। युवती 25 जून को महाराष्ट्र से चली गई थी। 27 जून को लड़के के भाई की शादी थी और वो अपने गांव में ही था। ऐसे में लड़की सीधे उसके घर पहुंच गई, जहां उसने कहा कि तू यहां से भाग जा वरना घर और गांव वाले हम दोनों को मार डालेंगे, और खुद भाग गया। अब लड़की 4 दिन से उसकी तलाश में भटक रही है। वहीं गुरुवार को लड़की ने SP ऑफिस पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया है। ASP नरपत सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लड़की लड़के के साथ रहना चाहती है। मामले की जांच की जा रही है। पुणे पुलिस की भी मदद ली जाएगी। धोरीमन्ना पुलिस को जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि 2021 में वो 12वीं कक्षा में थी और तब धोरीमन्ना के भूणिया शशि बेरी गाँव के निवासी सेल्समैन विष्णु पुत्र चिनारा राम से उसकी दोस्ती हुई। 18 साल की होने पर विष्णु ने लड़की के भाई से रिश्ते की बात की। मार्च में सगाई कर साथ रहने लगे। उसने शादी का झांसा देकर 3 महीने तक इस दौरान युवती से रेप भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। उसने मुझे अननोन नंबर से फोन किया कि मैं ऐसा ऐसा हो चुका है मेरे घर में, हम दोनों का रिलेशन पता हो चुका है, तो मेरे घर वाले मुझे भेज नहीं रहे वापस पुणे में, मेरे से जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरे पे दबाव डाल रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं इससे संपर्क मत रहे, इससे शादी नहीं हो सकता है। जो लड़का विष्णु नाम का लड़का था, तो वो उसे शादी समारोह में उसे गांव चली गई और उसने ये बताया कि उसने मेरे से शादी कर ली पुणे में। तो उस बात को लेकर जरूर इनमें आपस में कोई छोटी मोटी बात हुई थी, ऐसा कोई झगड़ा वाली बात सामने नहीं आई। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।